International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. अभी जूनियर लीगल ऑफिसर ठीक है। सब सब्जेक्ट कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर कैसा है? बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नाम आपका? नाम पेपर है और इसको लॉन्ग ग्रेजुएट दे सकते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट का पेपर था, इसके बाद अभी 2 बजे और उसका सेकेंड पेपर होगा सीआरटीसी का और सीटीसी का। क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब इसके अंदर 21 जो हमारा आर्टिकल है 21 और 19 उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पूछा गया था और हमारे जो केसेज आते हैं लॉ के अंदर उसके बारे में बताया गया था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई थी और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आए। थोड़ा बहुत है कि हाँ, मतलब ज़रा से ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, पेपर बहुत ईजी था। हाँ, अच्छे पढ़ने वालों के लिए पेपर बहुत अच्छा था। आपका नाम? याचना पवार। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर है ये जूनियर लीगल ऑफिसर का पेपर है, ये एक लॉ ग्रेजुएट ही दे सकते हैं। इस पेपर में 4 भाग होते हैं। पहले पेपर में जो पहला पेपर होता है जो अभी हो चुका है, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में ही पेपर था। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा वो नून शिफ्ट में होगा, वो 2 बजे स्टार्ट होगा, वो क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर के बारे में पेपर होगा। बाकी 2 पेपर कल होंगे, उसमें एक एविडेंस और लिमिटेशन वगैरह का पेपर होगा और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। ये जो पेपर हो रहा है इससे अना के जुड़ी हुई जो पोस्ट है वो अना के जूनियर लीगल ऑफिसर की जो लीगल ऑफिसर्स की पोस्ट होती है वो इससे अना के जुड़ी होती है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद उनमें अना की पोस्टिंग हो जाती है। कितने क्वेश्चन आए हाँ आज के पेपर में? अभी इसमें 150 क्वेश्चन आए और हर पेपर में 150 क्वेश्चन रहेंगे और 50-50 नंबर के अना 50-50 मार्क के ये पेपर रहेंगे और मिनिमम 40% अना क्या पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है इसमें और बाकी जो कट ऑफ होती है वो फर्दर अना के उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, नाम? हमारा नाम संदीप है, हम अजमेर से ही हैं। हमारा जेलों का पेपर था, पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का था, वह काफ़ी अच्छा आया। उसके अंदर रिसेंट केस लॉस क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन कब चालू हुआ, कैसे हुआ, इसका प्रीएम्बल कब से है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, सब पूछा गया हमसे। अब हमारा नेक्स्ट पेपर सीआरपीसी सीपीसी का है। कल हमारे 2 पेपर और हैं, इसमें एक तो लैंग्वेज का है और एक पहला एविडेंस का है। बस इतने ही हमारे 4 पेपर। आपका नाम? मेरा नाम वापरी सिंह सोनी है। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर बहुत ही अच्छा है और ये आज जयपुर 3 जगहों पर परीक्षा संपन्न करवाई है। ये आज 2 पारी में है, 2 मॉर्निंग 9 से 12 और फिर 2 से 5। कल भी ये पेपर होगा, बहुत ही अच्छा पेपर आया है जो हमने तैयारी की, उसी के अनुरूप पेपर आया है। कितने क्वेश्चन आए? क्वेश्चन आज भारतीय संविधान था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं और एक जो एक तुलनात्मक कह सकते हैं सब्जेक्ट और पाठ्यक्रम के अनुसार। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए आरपीएससी की, किस तरीके की व्यवस्था रही? आज बहुत ही आरपीएससी द्वारा जो व्यवस्थाएँ की है बहुत ही अच्छी तरीके की व्यवस्थाएँ की है। किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी असुविधा नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग वगैरह सभी काम बहुत ही अच्छे हुए हैं। इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से कह सकते हैं। नाम बता दीजिए। सुशील चौधरी। कहाँ से हैं? मैं अजमेर से।